वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन में। बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रोज शाम को 8 बजे ये क्यूज सेट लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पर जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो सारे प्रश्न आपको शेयर किए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी के लिए। जी हाँ, हिंदी भी हमें पास करना है। 200 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों, यहाँ से कम 30% लेकर आना होगा, यानी कि 60 नंबर आपके हिंदी में आने चाहिए तभी आप क्वालिफाई होंगे, जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है पिछले स्ट्रैटेजी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है आज का हमारा है दोस्तों नाउन यानी कि संज्ञा से, और हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके अलावा संज्ञा पहचानना होगा आपको, संज्ञा है या नहीं है, ये सभी टॉपिक से लेकर कुल 50 प्रश्न लेकर आए हैं इस टॉपिक से आपको, तो इसका आंसर आप लोग हमारे साथ क्यूज में जरूर कीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं उन सभी क्वेश्चंस आंसर पे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, तो चैनल के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुँच सके। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि संज्ञा नहीं है, उनमें से कौन है जो कि संज्ञा नहीं है, है ना। तो चलिए पहले संज्ञा जान लेते हैं कि क्या होती है और कितने इसके प्रकार होते हैं, उसके बाद हम इस सारे क्यूज को लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी प्राणी या स्थान या भाव या उसकी अवस्था में उसके नाम को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम हो गया मोहन, लंदन, ठीक है, या फिर किसी का नाम हो गया, है ना, या फिर कोई वस्तु होगी जैसे कि टेबल, पेन, है ना, ये सब क्या है, तो एक संज्ञा है। तो इसे हम लोग 3 प्रकार में बांटे हैं, संज्ञा को हम लोगों ने 3 प्रकार में बांटा है। वो कौन कौन सा है, एक है जातिवाचक, ठीक है, दूसरा है व्यक्तिवाचक और तीसरा है भाववाचक। याद रखिएगा जातिवाचक, दूसरा क्या है हमारा तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, और तीसरा क्या है तो भाववाचक, ठीक है। ये 3 आप नाम याद रखेंगे, इसी से रिलेटेड है ये पूरा। किंतु अधिकांशतः जो विद्वान लोग होते हैं वो संज्ञा के 5 प्रकार बताते हैं। एक व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही था, दूसरा जातिवाचक, बिल्कुल सही था, तीसरा भाववाचक, ठीक, चौथा जो इन्होंने बात किया वो किया समूहवाचक का, ठीक, और पाँचवा जो बात किया इन लोगों ने वो बात किया दोस्तों द्रव्यवाचक का। तो ये 5 प्रकार बताए इन लोगों ने। अब जो दोस्तों यहाँ पे आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे क्या कहते हैं, कैसे किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा के शब्द से एक व्यक्ति या एक स्थान का हमें बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि अर्जुन, या फिर विंध्याचल, या वाराणसी, या ताजमहल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से एक या एक ही प्रकार के, जी हाँ, एक या एक ही प्रकार के अथवा एक ही जाति के वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु पक्षी, वृक्ष, मानव, तो मानव से क्या एक ही है नाम, है ना, लेकिन उससे बहुत सारे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो संज्ञा का बोध क्या हो रहा है इसमें, तो एक ही प्रकार की सभी जाति और वस्तुओं की बोध होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे जातिवाचक। भाववाचक किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से शब्द में किसी प्रकार की दशा या गुण या धर्म या फिर व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा हो गया, घबराहट हो गया, कोमलता हो गया, देखिए इसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा सारा, है ना। तो ये 3 आपके मैंने बता दिए, जो आपके इसके अलावा आएंगे, जैसे कि समूहवाचक, जिसमें कि समूह का भी यहाँ बोध होता हो, जैसे कि भीड़ हो गया, मंडल हो गया, सभा हो गया, ये क्या है, भीड़ का एक समूह जिसमें कि लोगों का समूह है, ठीक है, ग्रुप है, तो उसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक। द्रव्यवाचक, तो जिस संज्ञा के नाप तौल की वस्तुएं हम रखते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, रुई, ये सारी क्या है, तो द्रव्यवाचक चीज़ें हैं। लिंग, वचन और कारक संज्ञा का रूपांतरण भी करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमारे 5 संज्ञा हो गए, अब लगाते हैं इस टेस्ट को दोस्तों। चलिए अब मजा आएगा, यहाँ पे अब बताना है आपको कि संज्ञा नहीं है 1 से लेकर 25 तक के, और जो 25 से क्वेश्चन है 50 तक का वो उसमें संज्ञा बताना है, ठीक। चलिए तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे पहला का, बिल्कुल आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं जो है ये एक सर्वनाम है, ठीक, बाकी सभी 3 यहाँ पे संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए कि संज्ञा नहीं है, बिल्कुल जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों सी, मैंने, ये क्या है, तो ये
विशेषण है, विशेषता बता रहा है मैं का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीपावली, क्रिसमस, रामनवमी और मुझे, तो यहाँ पे आंसर डी कर लेंगे, मुझे जो है वो संज्ञा नहीं है। यहाँ सिर्फ नहीं बताना है कौन संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर आंसर कीजिएगा, संज्ञा नहीं है तो आंसर कीजिएगा मुझको, जो कि संज्ञा नहीं है, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन संज्ञा नहीं है तो मुझसे, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए राम संज्ञा है, हरि संज्ञा है, बसंत संज्ञा, ये नाम है ना, तो यहाँ पे संज्ञा है, पर मुझसे तो ये सर्वनाम है, संबोधित कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, मेरे द्वारा और पश्चिम, ये इनमें से संज्ञा कौन नहीं है, चलिए आंसर कीजिएगा सी, मेरे द्वारा एक संज्ञा नहीं है इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें संज्ञा नहीं है, जल्दी बताइए, भारतीय, तिब्बती, चीनी या मुझसे, मुझे, तो इसमें कीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा आप लोग, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, इसमें 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ संज्ञा टॉपिक से, संज्ञा के प्रकार बता दिए हैं कितने हैं, क्या होते हैं, संज्ञा क्या होती है ये भी बता दिया, अब आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन बताना है कि कौन संज्ञा नहीं है, तो आठवां क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा डी, मेरे लिए यहाँ पे नहीं है संज्ञा। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है बी, मुझसे, ये नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे संज्ञाएं हैं, बाकी ये संज्ञा नहीं है। दसवां क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, कराकोरम, विंध्याचल, हिमालय और मेरा, तो मेरा जो है कि संज्ञा नहीं है, ठीक है। विंध्याचल क्या है, तो ये एक तरह का क्या है दोस्तों, तो व्यक्तिगत संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बताइए कि संज्ञा नहीं है, 25 तक बताना आपको, नहीं कौन कौन नहीं संज्ञा है, बिल्कुल आंसर इसका ए हो जाएगा, जिसका उत्तर ए आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए, ऋग्वेद, मेरी, नवभारत टाइम और धर्मयुग, तो इसमें संज्ञा नहीं है तो मेरी, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनजातीय विद्रोह, हल्दी घाटी का युद्ध, मुझसे या कन्नौज का युद्ध, चलिए तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे, मुझसे संज्ञा नहीं है। फरवरी, मुझ पर, मार्च या सितंबर, तो मुझ पर ये संज्ञा नहीं है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ से टॉपिक मैंने बता दिया है आपको, उसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डी, तू जो है वर्ड, ठीक है, ये संज्ञा नहीं है, ये एक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन 16 का आंसर कीजिएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, तूने, ये भी एक सर्वनाम है, बाकी तीनों संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन, बहन भाई, तुझको या जुलाहा, तो तुझको जो है ये क्या है, तो एक सर्वनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, हलवाई, तुझे, अध्यापक, प्रोफेसर, तो तुझे क्या है, एक संज्ञा नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुझसे, मुझसे जो है ये संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय, तोता, मैना, तेरे द्वारा, तो देखिए मैना जो है एक पक्षी का नाम है, तोता भी पक्षी है, गाय एक जानवर है, ठीक है, तो ये क्या है, कौन से, तो जातिवाचक संज्ञा होती हैं, तेरे द्वारा, ठीक है, ये एक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, मकान, कुर्सी और घड़ी, ये वस्तुएँ हैं, ठीक है, और तुझका, तुझको लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक संज्ञा नहीं है, ठीक है, ये सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि कुर्सी, टेबल, पुस्तक, तुझे, तो तुझे भी एक सर्वनाम है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, तूफान, वर्षा, तेरे लिए, जंगल, तो तेरे लिए जो है दोस्तों ये संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप, तुझसे, ज्वालामुखी और गणेश, तो तुझसे एक संज्ञा नहीं है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बचपन, बुढ़ापा, तेरा, इंसानियत, तो तेरा जो है यहाँ पे संज्ञा नहीं है। अब देखते हैं, देखिए 25 तक तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, जिनका भी उत्तर 25 में एक भी गलत हुआ होगा तो बेवकूफ़ होंगे, है ना, गलत नहीं होना चाहिए वहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था आज में। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि 26 से 50 तक आपको दिए गए में संज्ञा बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपसे पढ़ूंगा और पूछूंगा, ठीक है, कि कौन कौन संज्ञा है, ठीक है, जल्दी से आप आंसर करेंगे यहाँ पे। तो कोई, किसने, गंगा या किसी को, इसमें से संज्ञा कौन है, चलिए 26 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसमें सी जो है कि गंगा है। गंगा कैसी है, तो गंगा नाम है किसी का, ठीक है, एक नदी है नाम से, ठीक है, तो ये क्या हो गई दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अभी इसमें दोस्तों। उड़ीसा, किसी से, किसी को, किसी के लिए, तो ये तीनों तो नहीं है संज्ञा,
बाकी संज्ञा जो उड़ीसा है ये नाम है, तो ये भी एक क्या है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हिमालय भी इसमें एक क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बाकी ये सारे के सारे जो संज्ञाएं नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ब्रह्मपुत्र, देखिए ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी है ना, ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें संज्ञा कौन है, इस पर, इसका, दक्षिण भारत और इसकी, तो दक्षिण भारत, देखिए नोट कर लीजिएगा, भारत क्या है, एक नाम है, ठीक है, दक्षिण भारत एक नाम है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यह संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, इसका, इससे, इससे और डकैती, तो डकैती जो है क्या है, तो ये संज्ञा है, तो ये किस तरह का संज्ञा है दोस्तों, जल्दी बताइएगा, डकैती जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा, कैसा है, तो भाववाचक संज्ञा है, जिसमें भाव का पता चल रहा कि डकैती चोरी कर रहा है वो। शैतानी, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है, आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें दास, इसमें दास्ता आप पर या आप में, चलिए इसमें बताइए कौन सा संज्ञा है, 33 का आंसर करेंगे दोस्तों, दास्ता, दास्ता भी एक क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक। अगला प्रश्न है, मानवता, मानवता भी क्या है दोस्तों, तो एक भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये संज्ञा है, बाकी ये संज्ञाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें इसमें बताइए कि संज्ञा कौन है, आपसे, आपके लिए, आपको या दानवता, तो दानवता जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, मैंने बता दिया है संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 संज्ञा के प्रकार हैं, इन सब के प्रकार का एग्जाम्पल देके बता दिया मैंने, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 35, तो दानवता क्या है, तो एक भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि घबराना से बना घबराहट, दानव से बना है दानवता, ठीक, आंसर डी है, ये क्रिया से बना है, ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, नारित्व, नारित्व जो है, ठीक है, इसका ये किससे बना है, जैसे कि मिलना से मिलाप बनता है, ठीक है, तो नारी से बना है नारित्व, ठीक है, तो ये भी क्या है, क्रिया से बना है, जातिवाचक क्रिया से बना ये संज्ञा है, आंसर डी कर लेंगे दोस्तों, इसमें ये संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, उसके बंधुत्व या उसकी या उसका, तो बंधुत्व जो है एक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे अच्छा से अच्छाई बना, बुरा से बुराई बना, तो बंधु और बंधुत्व का नाता है यहाँ पे, तो विशेषण बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आंसर कर लेंगे ये संज्ञा हमारा, जातिवाचक ही आएगा ये संज्ञा। अगला प्रश्न, अपनापन, उसने और उसके लिए, तो अपनापन जो है ये एक संज्ञा है, याद रखिएगा, जैसे कि कोमलता एक संज्ञा है, ठीक है, कैसा संज्ञा, तो विशेषण संज्ञा है, ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, जो कि भाववाचक का ही एक रूप होता है। आंसर क्या करेंगे, ए, क्वेश्चन नंबर 39, चलिए आंसर कीजिएगा, इनमें कौन संज्ञा है, तो परायापन जो है इसमें एक संज्ञा है, नोट कर लीजिएगा, परायापन, याद रखिएगा, ये सर्वनाम से बना है, पराया, ठीक है, पराया मतलब दूसरे, ठीक है, तो दूसरा का मतलब सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम से बना है ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, आंसर डी कर लेंगे हम यहाँ पे, ये संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निजित्व, ये इसमें क्या है, तो ये एक संज्ञा है, ठीक है, सेम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़प्पन, इसमें जो है संज्ञा क्या है 41 में, तो बड़प्पन इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे संज्ञा क्या है, बड़प्पन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बताइए संज्ञा क्या है इसमें, तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा, छूटपन जो है एक संज्ञा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि तुम्हारा, ठंडक, तुम लोग से या तुम्हें, तुमसे, तो ठंडक जो है ये क्या है, एक यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है, कैसा संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, तुम लोग को, तुम्हें, हरियाली, तो हरियाली कैसा संज्ञा है, जल्दी से बताएं, हरियाली एक संज्ञा है, ठीक है, इसमें हरियाली जो है किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत आता है भाववाचक में, ठीक है, जैसे कि घबराहट, कोमलता, ये क्या है, उसके भाव बता रहा है, तो हरियाली क्या है, तो एक भाव ही बता रहा है यहाँ पे, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आता है ये विशेषण का। क्वेश्चन नंबर 45, तुमने, तुम पर, हम पर या चिकनाहट,
तो जैसे कि लिखना से बना है लिखावट, तो चिकना से यहाँ पे बना है चिकनाहट, ठीक है। क्रिया से बना है ये, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया यहाँ पे, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, तो ये क्रिया से बनकर हुआ है, ठीक। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ बताइए जल्दी से, संज्ञा कौन है इनमें से, चार में से, जल्दी बताइए। 46 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल इट्स अ सी, लाली जो है एक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा मोटापा हमसे हमें, तो यहाँ पे मोटापा जो है इट्स अ बी, ये 47 का आंसर क्या करेंगे, बी, ये क्या है, तो एक संज्ञा है, याद रखिएगा। जैसे कि मिलना से मिलाप बना, घबराना से घबराहट बना, उसी तरह मोटा से मोटापा बना। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए आंसर कीजिएगा। 48 में संज्ञा कौन है, बिल्कुल लेख जो है एक तरह का संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा, लेख जो है एक तरह का क्या है, तो संज्ञा है, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भूल जो है एक तरह का संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा, भूल जो है एक तरह का संज्ञा है, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है ये हमारा, झगड़ा जो है एक तरह का संज्ञा है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न थे आज के इस टॉपिक में, जो कि 50 प्रश्न, संज्ञा पहचानना था और संज्ञा को छांटना था, यानी कि संज्ञा कौन है और संज्ञा कौन नहीं है, ऐसे प्रश्न 2 नंबर आपको देकर जाएंगे। तो इन 50 प्रश्नों में कितने उत्तर आपको आते थे, कितने उत्तर आप सही किए, और ये जो संज्ञा के प्रकार मैंने आपको सारे बताए, ये क्या आपके लिए यह उपयोगी थे या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हिंदी की क्लासेस आपको टॉपिक वाइज क्लियर कराऊं, तो ज़्यादा आप लोग वहाँ आंसर सही करके आएंगे। जैसे कि 50 क्वेश्चन की देकर आया मैं, तो ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज आपको सारा याद रहेगा चीज़, तो आप पकड़ लेंगे, याद करने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।